कब्र का भयानक मंजर। मनकूल है अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम एक बार ज़ियारत कबूर के लिए कूफे के कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ताज़ा कब्र पर नज़र पड़ी तो दिल में उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई। चुनाचे बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ गुजार हुए, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस मैयत के हालात मुझ पर ज़ाहिर फरमा। अल्लाह की बारगाह में आपकी इल्तिजा फौरन सुनी गई और देखते ही देखते आपके और उस मुर्दे के दरमियान जितने पर्दे हाइल थे तमाम उठा दिए गए। अब एक कब्र का भयानक मंजर आपके सामने था। क्या देखते हैं कि मुर्दा आग की लपेट में है और रो रो कर आप करम अल्लाह ताला वजहुल करीम से इस तरह फरियाद कर रहा है, या अली अना गरीकुन फिन्नार व हरीकुन फिन्नार, यानी या अली मैं आग में डूबा हुआ हूँ और आग में जल रहा हूँ। कब्र के दहशतनाक मंजर और मुर्दे की दर्दनाक पुकार ने हैदर कर्रार करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को बेकरार कर दिया। आप करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने अपने रहमत वाले परवरदिगार के दरबार में हाथ उठा दिए और नहायत आजिज़ी के साथ उस मैयत की बख्शिश के लिए दरख्वास्त पेश की। गैब से आवाज़ आई, ए अली इसकी सिफारिश मत करो, क्योंकि ये शख्स रमज़ानुल मुबारक की बेहुरमती करता, रमज़ानुल मुबारक में भी गुनाहों से बाज ना आता था। दिन को रोज़े तो रख लेता मगर रातों को गुनाहों में मुब्तला रहता था। मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ये सुनकर और भी रंजीदा हो गए और सजदे में गिर कर रो रो कर अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी लाज तेरे हाथ में है, इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है, मेरे मालिक अज़्ज़ा वजल तुम मुझे इसके आगे रुसवा ना फरमा, इसकी बेबसी पर रहम फरमा दे और इस बेचारे को बख्श दे। हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम रो रो कर मनाजात कर रहे थे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत का दरिया जोश में आ गया और निदा आई, ए अली हमने तुम्हारी शिकस्ता दिली के सबब इसे बख्श दिया, चुनाचे उस मुर्दे पर से अजाब उठा लिया गया। किसी आशिके मौला अली ने क्या खूब कहा है, क्यों ना मुश्किल कुशा कहूँ तुमको, तुमने बिगड़ी मेरी बनाई है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की अज़मत व शान के क्या कहने। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अता से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अहले कबूर से गुफ्तगू फरमा लिया करते थे। एक और हिकायत पेश खिदमत है। मशहूर ताबई बुज़ुर्ग हज़रत सैदना सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, एक बार हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के हमरा मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हज़रत मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं। सैयदना सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह की आवाज़ सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, या अमीरुल मोमिनीन आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद क्या हुआ। हज़रत मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने फरमाया, सुन लो तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई, जिस मकान को तुमने बहुत मज़बूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र
से आवाज़ आने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फट कर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गईं, हमारी आँखें बहकर रुखसारों पर आ गईं, और हमारे नथनों से पीप बह रही है, और हमने जो कुछ आगे भेजा यानी जैसे अमल किए उसी को पाया, और जो कुछ पीछे छोड़ा उसमें नुकसान हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस हिकायत से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में हर किस्म के गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करते और करवाते रहिए, रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत कीजिए और दुरूद व सलाम की कसरत कीजिए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।